विधानसभा मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन सरकार से पूछा कि सर आज विधानसभा के थुनाग में पूर्व सरकार ने बागवानी कॉलेज बनाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान सरकार कॉलेज का निर्माण कराना नहीं चाहती और इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बना रही है। राजस्व मंत्री प्रश्न का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने भी जवाब से भी वो संतोष नहीं प्राप्त कर सके। कांग्रेस सरकार ने मंडी जिला के साथ भेदभाव किया है और आते ही संस्थानों को बंद करने के काम किए। मंडी शिवधाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, अब बागवानी कॉलेज को भी खत्म करने का सरकार काम कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। वहीं सदन में मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उनके निवास स्थान के पास ड्रोन उड़ाने का मामला उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, मेरी निजता का हनन हो रहा है। विपक्ष के नेता के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एसपी शिमला का आवास भी वही है। एसपी शिमला को निशाने पर लेते हुए जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। वक्त बदलता रहता है, अधिकारियों को सीमाओं को रहकर ही काम करना चाहिए, ये चीजें भविष्य के लिए दर्ज हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब ना देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई। फॉरेस्ट की क्लीयरेंस सारी होने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 2.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः वह टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोलमोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है। ये दो वजह है जिसको स्पष्ट नहीं कर रही है। और आज जिस प्रकार से जवाब जब मांगा गया तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र के कमांड ऑफिस बिल्डिंग का जिक्र करते रहे, सराज विधानसभा क्षेत्र के रेस्ट ऑफिस का जिक्र करते रहे और जवाब में कहने लगे कि इस कॉलेज के बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। ये मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवार जवाब सरकार का नहीं है। अगर बजट प्रावधान हमने किया है 10 करोड़ का, पहले हमने कहा कि उसका ही टेंडर लगाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का, और अगर पैसे का इंतजाम करना है ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है जो सरकार सत्ता में है। हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष में रह करके उसमें एक सहयोग कर सकते हैं कि कहां बात करनी है, लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी का एक काम करने का तरीका बन गया है कि जो भी हो सकता है उसको बंद करो। मंडी का शिवधाम बंद कर दिया, मंडी का मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम उसको बंद कर दिया, मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, कांगड़ा में धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का के लिए 30 करोड़ रुपए जमा करना था जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का, वो पैसा जानबूझ करके बंद नहीं किया ताकि उसका काम शुरू ना हो सके, वो भी काम बंद पड़ा। पालनपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन जो है दान दी जा रही है प्राइवेट लोगों को कि आप यहां पर होटल खोलिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की जो काम करने की जो नीति है, जो तौर तरीका है, इस पर हमने जब प्रश्न खड़ा किया, आप हमको बताइए। जब मुख्यमंत्री से मैंने पूछा कि आप स्पष्ट करिए कि इस कॉलेज का काम शुरू होगा कि नहीं होगा, वो भी इसी बात को कहने लगे पैसा लेकर के आइए तब जाकर के हम इसका काम शुरू करेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है उनका। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने पर्टिकुलरली कहा कि
वो फिजिबल नहीं पाई गई, ये सत्य नहीं है, ये सरासर झूठ है। और जो वहां से जो इस काम के लिए जो टीम आई हुई थी उनके ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया गया कि किसी तरह से भी रिपोर्ट इस तरह से बना करके दीजिए, कहो कि ये जगह फिजिबल नहीं है। और इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज के दौर में ये तमाशा बना हुआ। और आपने एक और फिर पहले मैंने सोचा कि रूटीन में चलता है, मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं बाकी जो लोग उसको देखते थे, लेकिन आज जब मैं आ रहा था विधानसभा उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाशा बन गए सरकार का, समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से सर्वे कर, ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग हैं उनके फोन सर्विलेंस पर और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर के चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है। और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे थे, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्य। उनके ऑफिस से उनके रेजिडेंस मेरे साथ में है, वो वही करते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल अगर ऐसी हरकतें करेंगे, अगर वो सरकार के इशारे पर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे कि विपक्ष के विधायकों को बुला बुला करके 8-8 घंटे तक बिठा करके रखेंगे उनकी पूछताछ के लिए, और जब विधायक वहां से चले जाते हैं आधे रास्ते पहुंचते हैं उनको कहते हैं कि दोबारा आना पड़ेगा आपको, आधे रास्ते से फिर बुलाते हैं उनको और आधे रास्ते से बुला करके फिर 4 घंटे के लिए बिठाते हैं उनको, क्या तमाशा बना के रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार। तमाशा आपने कल देख लिया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे दुनिया में तमाशा निकला इस सरकार का, जनाजा निकला जिसको मैं कह सकता हूं एक तरह से, कि 2 महीने की सैलरी डेफर की है, डिले की है, छोड़ी नहीं है, डिले की है, यानी कि 3 महीने के बाद सैलरी जो है 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3 महीने की एक साथ मिलेगी, ये क्या तमाशा है। और पूरे देश भर में मजाक बन रहा है, पूरे प्रदेश भर में मजाक बन रहा है, तो इसलिए ये तौर तरीका जो है जो सुखू जी बनना चाह रहे हैं बेचारे बन करके कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ये बेचारे बन करके नहीं हो सकता है। और इस तरह के गिमिक्स करके मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश नहीं चलाया जा सकता। थैंक यू।